आखिर उनको वादे बरहक के मुताबिक जोर की आवाज ने आ पकड़ा तो हमने उनको कूड़ा कर डाला। बस जालिम लोगों पर लानत है। फिर उनके बाद हमने और जमातें पैदा की। कोई जमात अपने वक्त से न आगे जा सकती है न पीछे रह सकती है। फिर हम लगातार अपने पैगंबर भेजते रहे। जब किसी उम्मत के पास उसका पैगंबर आता था तो वो उसे झुटला देते थे, तो हम भी बास को बास के पीछे हलाक करते और उन पर अजाब लाते रहे और उनको दास्ताने बनाकर छोड़ते रहे। बस जो लोग ईमान नहीं लाते उन पर लानत। फिर हमने मूसा और उनके भाई हारून को अपनी निशानियां और दलील जाहिर देकर भेजा, यानी फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ, तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो सरकश लोग थे। कहने लगे, क्या हम इन अपने जैसे दो आदमियों पर ईमान ले आए जबकि इनकी कौम के लोग हमारे खिदमतगार हैं। तो उन लोगों ने उनकी तकजीब की, सो आखिर हलाक कर दिए गए। और हमने मूसा को किताब दी थी ताकि वो लोग हिदायत पाएं, और हमने मरियम के बेटे ईसा और उनकी मां को एक निशानी बनाया था और उनको एक ऊंची जगह पर जो रहने के लायक थी और जहां निथरा हुआ पानी जारी था पनाह दी थी।